स्वागत है दोस्तों आपको मेरे चैनल पर। मैं आज आपको बताऊंगी आलू मेथी की सब्जी। ये बहुत ही फायदेमंद होती है और सर्दियों में बनाई जाती है और इसको हमें जरूर बनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर मेथी को अच्छे से इसके डंठल निकाल के और मैंने इसके पत्तियों को अच्छे से धो के पानी में डुबो डुबो के और अच्छे से इसको चॉप करके रख लिया है। मैंने यहाँ पर 400-500 ग्राम मेथी ली है और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज आलू को इस तरीके से बड़े पीसों में काटा है। मैंने यहाँ पे 1 टमाटो लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 लाल खड़ी मिर्ची ली है। यहाँ पे 2 लहसुन के पीस जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चियों को इस तरीके पीसों में 2 लंबे पीसों में चॉप किया है। यहाँ पे मैंने राई ली है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, जीरा और स्वाद अनुसार नमक और हींग। चलिए दोस्तों इसको बनाने के लिए हम ऑयल गरम करने रखते हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम होने रखा है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ सोयाबीन ऑयल लिया है। ये सबसे पहले हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही 1/2 चम्मच हम इसमें राई डालेंगे। ये हमारे हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। साथ ही हम इसमें ये हरी मिर्ची डाल देंगे और लाल मिर्ची, इनको हमें हल्का गोल्डन होने तक लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। ये हमारे लहसुन और मिर्ची सब सिक चुके हैं। अब हम इसमें ये अपने आलू डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे थे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब हम ढक के 3 से 4 मिनट जब तक हमारे आलू पकते हैं तब तक हम इनको ऐसे ढक के पकाएंगे। हमारी सब्जी को 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसके आलू हो गए हैं क्या। तो हमारी सब्जी के आलू अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो मेथी साफ करके रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार। साथ ही हम इसमें हींग भी डालेंगे। हींग हम इसमें लास्ट में डालेंगे जिससे इसकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी मेथी में इसका तेल। और अब हम इसको मिक्स करके पकाएंगे ढक के 2 से 3 मिनट। इसको हमने आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। ये हमारी सब्जी को 2 से 3 मिनट हो गए ढके हुए। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बिल्कुल पक के तैयार है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अगर आप टमाटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें अमचूर भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच शक्कर डालेंगे यानी कि चीनी। इससे इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब ये टमाटर गलने तक हम इसको इसी तरीके से 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ढक के। उसके बाद हम इसको फिर से देखेंगे। ये हमारी सब्जी को 1 मिनट हो चुका है। हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारी आलू मेथी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।